दोस्तों ये फंस गए अंदर, ड्राइवर साहब हमारे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं उठ के ऊपर ही आ रहा हूँ छत में, तो मैं आज आप अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है 6:30, तो देखिए व्यू तो देखिए पीछे का, और धूप आ रखा है पूरी, इधर के लिए धूप है इधर आ रखी और इधर लास्ट में आएगी, और मंदिर के साइड तो कुछ कुछ आ गई है धूप, मंदिर की साइड आ चुकी है, आधा आधा पे आ चुकी है, आधा आएगी। और अब जाएंगे हम वो दादी को दूध देने के लिए, बड़ी वाली दादी को, तो चलते हैं दूध देने। तो अब जाऊंगा मैं दूध देने, जाऊंगा क्या, जा ही रहा हूँ, दूध देने जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे का रास्ता तो टूट रखा है। मेरी पहली वाली वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, तो ऊपर के रास्ते आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ से जाऊँगा सीधे। और कल मैं जब यहाँ गाय चरा रहा था ना, तो मैंने कितना बड़ा सांप देखा यहाँ पे, और वो इस वाली लाइटिंग के अंदर घुस गया था वो सांप, और पता नहीं बाहर आया होगा या नहीं आया होगा, कुछ पता नहीं है। तो चलते हैं दादी के घर तक, आ गई है धूप, और यहाँ से आएगी अब ऊपर के लिए हमारे घर की साइड के लिए। और दादी तो अभी उठी नहीं, दादी सो रखी है, देखिए दादी अकेले रहती है यहाँ इस पूरे घर में, और दादी सो रखी है। ये वाला है दादी का कमरा, ये वो रखा है बंद और सो रखी है अभी। मैं दूध देता हूँ और घर चले जाता हूँ, और मैं घर आ चुका हूँ दूध देने से, और मैं अब नहाता धोता हूँ और मिलता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे निकाली जा रही है मक्खन, ये देखिए मलाई से बना रहे हैं मक्खन यार मैंने। और अब बारी है गाय खोलने के लिए, गाय चला रहा हूँ मैं, और मैं आपको पुराने ज़माने की गाड़ी दिखाता हूँ, छोटे बच्चे उसमें खेल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ पुराने ज़माने की गाड़ी आपको। तो पुराने ज़माने की गाड़ी ये है, पुराने ज़माने की गाड़ी आपने देख रखी होगी, ये पुराने ज़माने की गाड़ी, इसमें दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे वाली गाड़ी है ये। ये देखिए दरवाजे नहीं है, पर्दे इसमें बस। अरे देखिए ये है हमारा ड्राइवर, ड्राइवर साहब बैठ जाइए सीट पर। अब दोस्तों को हाय बोल दीजिए, हाय बोलिए, हाय बोलिए। तो कैसे हो गाइस, ये देखिए दोस्तों ये ऊपर चढ़ रखे हैं। अरे ये ड्राइवर साहब हमारे, ड्राइवर साहब कुछ बोलना चाहोगे आप? ऐसे नहीं बोलोगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जरूर। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, और एंड तक भी देखना। दोस्तों ये फंस गए अंदर, ड्राइवर साहब हमारे, क्या बोल रहा, इसको नीचे निकालना है, मी भी बैठना। अच्छा तो चलो गाड़ी, हमारे ड्राइवर साहब है ये गाड़ी चलाएंगे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये अंदर बैठ के, कुछ बोलिए। अच्छा धारी देवी में गाड़ी रुक रखी है, ऐसा बोल रहा है वो, और कुछ बोलना चाहोगे आप, बोलिए। तो गाड़ी तो चली गई है और मैं गायें चला रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे हैं गायें, और मैं गायें चराता हूँ, मिलता हूँ आपको शाम को। दोस्तों तो शाम हो चुकी है, 3:45 हो चुके हैं, और बारिश आने की संभावना है, और हमने गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखे थे, अब हम गेहूँ को उठाएंगे क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। मैं दिखाता हूँ कि कैसे बादल लग रखे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से तो पूरा आसमान बंद हो रखा है, और यहाँ से थोड़ा खुला है, यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है इधर की साइड से, और यहाँ पेड़ों के बीच में है सूरज, और इधर से बारिश आने वाली है, इसलिए जो यहाँ पे हमने गेहूँ डाल रखे हैं, गेहूँ हम जल्दी से उठा देंगे, अब उठाते हैं। गेहूँ तो हमने उठा लिए हैं, और दादी डाल रही है झंगोरा, तो कैसे डालते हैं झंगोरा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलते हैं, दादी कहाँ पे झंगोरा डाल रही है, तो देखते हैं
जंगोरा कैसे धरा जाता है। हमने दादी दादी झंगोरा डाल रही है और मैं आ गया हूँ नीचे। नौला पानी है यहाँ का नाम। मैं और स्नूपी दोनों के दोनों आ रखे हैं थोड़ा घूम गश्त करने। हमने कहा थोड़ा घूम के आते हैं नीचे और अब मैं जा रहा हूँ नीचे और आज का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। बारिश तो आई नहीं लेकिन संभावना पूरी है, रात को आएगी क्या पता। मैं दिखाता हूँ आपको मौसम। ऐसा मौसम हो रखा है देखिए दोस्तों, ऐसा मौसम हो रखा है। आसमान देखो बादल काले लग रखे हैं और हमको जाना है यहाँ नीचे लास्ट। इधर जाना है हमने, इधर इधर की वहाँ जाना है हमने। और चलते हैं हम धीरे धीरे नीचे की ओर। नीचे आते आते ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों, मतलब क्या बताएं, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और यहाँ लोग का यहाँ चला रहे हैं नीचे बैठ के। यहाँ इधर बगल का गांव है ना, वहाँ के लोग आ रहे हैं और वहाँ के लोग चला रहे हैं बकरियाँ गाय वगैरह वगैरह और बैठ रखे हैं यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ उनकी गायियाँ और बकरियों को, जिनको भेड़ क्या कहते हैं, भेड़, तो भेड़ है उनकी, वो भी दिखाता हूँ मैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको भेड़। ने भेड़ पकड़ियाँ तो देख ही ली होंगी और हम आए हैं अपने ऊपर से, वो लास्ट चोटी दिख रही है वहाँ से आए हैं। हमको जाना है नीचे, वहाँ तक जाएंगे हम, फिर उसके बाद ऊपर आएंगे, फिर ऊपर तक जाएंगे। और मैं दिखाता हूँ मैं किस चट्टान पे से मैं खड़ा हूँ। और यहाँ नीचे रोड ऐसी तो लग रही है, देखिए रोड है इसके बाद। और ये देखिए बारिश आने की पूरी संभावना है। हवा देखो चल रही, कितनी ख़तरनाक हवा चल रही है, फू 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 हवा चल रही है। और मैं आप सीधे नीचे जाता हूँ, वहाँ बताता हूँ। दोस्तों मैं रोड में आ चुका हूँ, नीचे वाले रोड में। और ये देखिए नीचे एक छोटा सा गाँव है और वहाँ नीचे है घाट चित्रमती नदी, जिसको गार्ड कहते हैं। और देखिए अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है और उस पीपल के पेड़ के रास्ते ऊपर 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 सब चलते हैं ऊपर की ओर। ये दोस्तों मैं ऊपर ऊपर आ रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही है, मन कर रहा है तंबू ओढ़ के सो जाना था यहीं पे। और यहाँ पे देखिए खजरा का पेड़, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको खजरा का पेड़। यहाँ पर तो आ गए, अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है। लास्ट चोटी दिखाई दे रही है आपको, चोटी लास्ट ये वाली, यहाँ जाना है अभी हमको। और उधर से देखिए बारिश आने लग गई है, उधर से भयंकर वाली, और हमें जाना है यहाँ ऊपर। ये जो लास्ट चोटी दिखाई दे रही है यहाँ, तो चलते हैं ऊपर की ओर, यात्रा शुरू करते हैं। आ गया हूँ मैं अपने मंजिल पर जहाँ तक मैंने आना था। और देखिए मेरे पीछे इतनी बड़ी चट्टान है, आप देख सकते हैं। वहाँ भी मुझे यहाँ भी जाना है ऊपर भी, उसके बाद घर पे दिखाऊंगा जब घर पहुँच जाऊँगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर में और धीमी धीमी बारिश आ रही है। ये देखिए वहाँ से बहुत तेज बारिश आ रही है इधर के लिए, ऊपर देखिए ऊपर से भी बहुत तेज़ बारिश आ रही है। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।